News 18, India. यार विधानसभा में कार्यवाही जो है वो शुरू हो चुकी है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। चंद्रमोहन, जल्दी से ये बता दीजिए कि क्या सभी विधायक जो हैं वो पहुंच चुके हैं या अभी भी कोई ऐसे विधायक जो मिसिंग है? जेडीयू के शायद दो ऐसे विधायक बताए जा रहे हैं जो पहुंचे नहीं है वहां। बिल्कुल, देखिए आरजेडी के दो विधायक हैं जो अब तक उनका फोन नॉट रिचेबल आ रहा है। चेतन आनंद जो कल रात तक तेजस्वी यादव के बंगले पर उनके आवास पर मौजूद थे, पांच देशरथ मार्ग में पिछले दो दिनों से जब विधायक दल की बैठक थी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन कल देर रात उनके परिवार की तरफ से एक तहरीर दी गई पाटलिपुत्र थाने में, जिसमें यह लिखा गया कि उनका भाई दो दिनों से नॉट रिचेबल है, उनसे बात नहीं हो पा रही है, मिसिंग है। और उसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल तेजस्वी यादव के आवास में पहुंचा और उसके बाद फिर उनको निकालकर उनके घर तक पहुंचाया गया और उसके बाद उनका पता नहीं है। अभी नीलम देवी हैं जो अनंत सिंह की पत्नी हैं, उनका भी फोन नॉट रिचेबल आ रहा है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो खेला करने की दावा कर रहे थे तेजस्वी यादव, उन्हीं के पार्टी में खेला होते हुए दिख रहा है। और जेडीयू के जो पांच विधायक नॉट रिचेबल थे, कल तक नाराज चल रहे थे, श्रवण कुमार का जो घर पर भोज था वहां पर भी नहीं पहुंचे थे, उनको जेडीयू मनाने में सफल रही है। उसमें से कई ऐसे विधायक हैं जो यहां पर पहुंच चुके हैं, सिर्फ एक विधायक हैं डॉक्टर संजीव जो नहीं पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर बाद वो भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो नवादा में मौजूद थे और नवादा से पटना की दूरी तकरीबन 3.5 घंटे से ज्यादा का है, तो 11:30 बजे के बाद हो सकता है कि वो डॉक्टर संजीव यहां पर पहुंच जाए। तो अभी जो है, बिल्कुल देखिए बीमा भारती पहुंच चुकी हैं, शालिनी मिश्रा जो जेडीयू की विधायक हैं और वो भी नाराज चल रही थी, वो पहला दिन श्रवण कुमार के घर पर जो भोज था वहां नहीं पहुंची थी, और कल जब विजय चौधरी के घर पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी वहां पर शालिनी मिश्रा पहुंची, हालांकि बीमा भारती नहीं पहुंची थी, लेकिन आज बीमा भारती और शालिनी मिश्रा दोनों एक साथ एक गाड़ी में बैठकर आई हैं। तो जो नाराजगी जेडीयू के विधायकों की तरफ से था वो दूर कर लिया गया है। सिर्फ एक विधायक डॉक्टर संजीव, जेडीयू के विधायक हैं परबत्ता से, वो नहीं पहुंचे हैं, वो भी किसी भी वक्त यहाँ बिहार विधानसभा कैंपस में पहुंच सकते हैं, बिहार विधानसभा सदन में पहुंच सकते हैं। और अभी सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, इसके बाद अब से थोड़ी देर बाद यहाँ जो है वो यहाँ के तमाम बिहार विधानसभा के जो सदस्य हैं वो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं वो यहाँ से निकलेंगे और फिर उसके बाद कार्रवाई शुरू होगी सेंट्रल हॉल में, जहाँ पर राज्यपाल पहुँचेंगे, उनका अभिभाषण होना है और अभिभाषण जब उनका खत्म होगा, जब वहाँ से निकल जाएंगे, उसके बाद फिर सदन की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें सबसे पहला बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी, उनको हटाने के लिए प्रस्ताव आएगा और 50 विधायकों ने लिख कर दिया हुआ है पहले से। जब जैसे ही एनडीए की सरकार आई जिसमें नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुए, उसके बाद से 50 विधायकों ने यह प्रस्ताव लिख कर दिया था, जिसमें 38 विधायकों का समर्थन होना ज़रूरी है और वो 38 विधायक सदन के अंदर में खड़ा होकर यह प्रस्ताव रखेंगे कि इस बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को हटाया जाए, इनके लिए इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाए। और उसके बाद फिर जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो अपना कुर्सी छोड़ेंगे, उपाध्यक्ष जो महेश्वर हजारी हैं वो उस कुर्सी पर बैठेंगे और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें वोटिंग होगी और वोटिंग के दौरान हंगामा होने के पूरे आसार हैं। ये माना जा रहा है कि आरजेडी के जो विधायक हैं, महागठबंधन के विधायक, कांग्रेस के विधायक हैं, लेफ्ट के विधायक हैं, वो हंगामा कर सकते हैं। ऐसे में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, सदन के अंदर में मार्शल मौजूद रहेंगे, उसके बाहरी इलाके में सादे वर्दी में बिहार पुलिस के जवान वहां पर तैनात किए गए हैं। और बिहार विधानसभा कैंपस की एक बार तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, यहां पर बिहार विधानसभा कैंपस में बीएमपी के जवान तैनात किए गए हैं, तो तैयारी पुख्ता है, अगर कोई भी हंगामा करने की कोशिश करता है तो उससे निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई है। नीतीश कुमार को 122 विधायकों की संख्या बल की ज़रूरत है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी और एनडीए की तरफ से यह दावा किया गया है कि उनके पास 128 विधायक मौजूद हैं और कई ऐसे विधायकों ने तो ये कहा कि उनके पास संख्या बल अधिक भी हो सकता है। कई महागठबंधन के विधायक और विधान पार्षद हैं जो नीतीश कुमार के समर्थन में हैं और ऐसे में अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो हो सकता है कि एनडीए का आंकड़ा बढ़ भी जाए, ऐसा एनडीए के विधायकों के तरफ से, जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके तरफ से यह दावा किया गया है। लेकिन देखना होगा कि जब वोटिंग होता है उस समय क्या सामने आता है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जब सरकार से अलग होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें यह दावा किया था कि नीतीश कुमार खेल शुरू किए हैं और असल खेल होना अभी बाकी है। ऐसे में अभी वो वक्त भी आ गया है जब खेला हो पाता है या फिर उन्हीं के पार्टी में खेल हो जाता है, इसको देखना होगा, क्योंकि
उनके पार्टी के दो विधायक नीलम देवी अब तक नहीं पहुंची हैं, चेतन आनंद जो कल तक उनके आवास में मौजूद थे, उनके भाई ने एक तहरीर दिया पाटलिपुत्रा थाने में जिसमें ये लिखा गया था कि वो गायब हो गए हैं, उनका फोन नॉट रिचेबल आ रहा है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची और तेजस्वी यादव जहां पर रहते हैं 5 देशरथ मार्ग वहां से उनको निकाला गया, फिर उनके घर तक पहुंचाया गया, उसके बाद चेतन आनंद नॉट रिचेबल हो गए हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, जब नीतीश कुमार को विश्वास मत हासिल करना होगा तो शायद 128 विधायक यहां पर मौजूद रहेंगे। हालांकि जरूरत 243 कुल विधायकों की संख्या है, ऐसे में 122 विधायकों की जरूरत है और वो नीतीश कुमार के पास पुख्ता संख्या बल है और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने कल जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी वहां पर यह नीतीश कुमार ने दावा किया था कि उनके पास पुख्ता जो सदस्यों का बल है वो मौजूद है, विधायकों की संख्या उनके पास मौजूद है, इसलिए सरकार में कुछ नहीं होने जा रहा है, सभी को निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। तो अभी बिहार विधानसभा के अंदर सदन में कार्रवाई चल रही है, बाहर में इंतजार हो रहा है कि बिल्कुल यहाँ इंतजार हो रहा है क्योंकि आरजेडी के दो विधायक नहीं पहुंचे हैं, जेडीयू के एक विधायक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अंदर जो है कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन अंदर जाने से पहले, विधानसभा पहुंचने से पहले तमाम विधायकों के क्या कुछ रिएक्शन सामने आए ये भी सुन लेते हैं। नहीं, किसी बात की नाराजगी नहीं है। नहीं, अशोक चौधरी को लेकर जो नाराजगी थी वो दूर हो गई? अरे कोई नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है, वो सब बात हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है बात। वो पार्टी के एक नेता, एक झंडा, एक सब, कोई समस्या नहीं है? अब कोई समस्या नहीं है, देखिए ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। अभी हम लोग तो अभी तुरंत आ रहे हैं, धीरे धीरे सारे लोग आ रहे हैं, कोई नाराज नहीं है, किसी में कोई नाराजगी नहीं है। और परिवार में अगर लोग रहते हैं तो थोड़ी टक्कर बात होती है, लेकिन सारी बात थोड़ी समस्या थी, कहीं कोई समस्या नहीं है। सभी लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहने वाले लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को जितने चाहने वाले लोग हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग आ रहे हैं। आप जाएंगे जितने भी MLA हम लोगों के हैं, जनता यूनाइटेड के सब साथ हैं, बीजेपी के हैं साथ में हैं, हम के हैं, सब लोग साथ में हैं। कल से सबसे बातचीत हम सबसे हो रही है, जो लोग नहीं आ चुके थे, जो अफवाह बना हुआ था उनसे भी मेरी खुद की बात हुई है। हमारे नेता को सब लोग चाहने वाले हैं, होने जा रही है, जो आपको जानकारी भी होगी। सारे सब लोग एक जगह हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये अफवाह है, अफवाह से सब लोग होशियार रहे, सरकार बनेगी नेता के नेतृत्व में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ना कोई नाराज नहीं था, देखिए सब कोई अपने व्यक्तिगत काम से कहीं था, कोई कहीं था, सब कोई सही, मान लीजिए आज सबको पहुंचना था, सही समय था, नियत समय था, नियत टाइम पे सबको पहुंचना था, सब कोई हाजिर है। बच्चे को खिलौना मिल गया है, बच्चे के लिए खिलौना लाए हैं, कहीं कोई खेला नहीं होगा, मेला लगेगा, NDA के पक्ष में बहुमत सिद्ध होगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक आदेश का गलत तरीके से व्याख्या करने का आरोप लगेगा। आपने गलत तरीके से इसकी व्याख्या कर दी। माननीय स्पीकर के खिलाफ जो ही अविश्वास प्रस्ताव विचाराधीन होगा उनको चेयर छोड़ना है, डिप्टी स्पीकर उसकी अध्यक्षता करेंगे। स्पीकर साहब या तो स्वतः छोड़ दें सम्मान पूर्वक, नहीं तो हटाए जाएंगे। और दूसरा, सरकार विश्वास मत हासिल करेगी, दो ही चीज होना है अब। लेकिन आपको, लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आज जो होना है बता दिए, अब कौन क्या बोल रहे हैं ये हो जाएगा तब पूछिएगा। तो जनता ने पहले ही जनादेश दिया था, NDA के जनादेश है, NDA के साथ है, आज फ्लोर टेस्ट होना है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने संविधान के नाम लेकर के, कानून का हवाला देकर के बिहार की जनता को बदनुमा दाग लगाने का प्रयास लोगों ने किया है, ये जनता आज समझ गई है। संविधान का उल्लंघन महागठबंधन करता है, कानून का उल्लंघन महागठबंधन करता है। फ्लोर टेस्ट में NDA एकजुट है, एकजुट था, एकजुट रहेगा। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हो सकता है पलटी और भी हो, क्या कह सकते हैं बिहार की राजनीति में, जब पलटी कुमार शासन कर रहे हैं, किस तरफ पलटी करेंगे किसको मालूम है। तो पर फ्लोर टेस्ट होना जरूरी है। और देखिए झारखंड में 5 तारीख को ही फ्लोर टेस्ट कराया गया था और बिहार में 12 तारीख तक समय दिया गया था, तो ये भी एक साजिश है।
क्या उम्मीद आप लोग क्या लग रही है क्या नीतीश कुमार? नहीं, जो कुछ होना है होगा, जो कुछ होना है होगा। ये जो ऑपरेशन लोटस चल रहा है, हमारे पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं बीजेपी, आरजेडी को तोड़ने में लगे हुए हैं और छोटे छोटे दलों को तोड़ने में लगे हुए हैं, वो सफल होंगे। तो चलिए एक बार फिर से आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। तमाम रिएक्शन आपने सुन लिए हमारे सहयोगी चंद्रमोहन लगातार बने हुए हमारे साथ। चंद्रमोहन, इस वक्त सदन के अंदर से क्या जानकारी मिल रही है, कितनी देर में राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होगा? बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर बाद राज्यपाल यहाँ पर पहुँचेंगे, तकरीबन 11:30 बजे के करीब उनको पहुँचना है, जहाँ पहले उनका अभिवादन होगा और उसके बाद ज्वाइंट सेशन जो बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में शुरू होने वाला है वो शुरू होगा। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर अभी ये है कि दो विधायक आरजेडी के अब तक नहीं पहुँचे हैं, जिसमें नीलम देवी, उनका फोन नॉट रिचेबल पिछले 3 दिनों से आ रहा है, और चेतन आनंद जो कल तक तेजस्वी यादव के आवास में बने हुए थे उनका फोन नॉट रिचेबल आ रहा है। दोनों विधायक अभी नहीं पहुंचे हैं और एक जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव जो थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं वो नाराज चल रहे थे। 5 विधायक जेडीयू के नाराज चल रहे थे, जिनको मना लिया गया है, सरकार उनको मनाने में कामयाब रही है। तो अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर राज्यपाल पहुँचेंगे और उसके बाद फिर उनका अभिभाषण शुरू होगा। अभिभाषण खत्म होने के बाद जब वो यहाँ से निकल जाएंगे उसके बाद फिर से एक बार सदन की कार्रवाई शुरू होगी और उसके बाद फिर यहाँ पर जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं और बिहार चौधरी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा।